हेलो बच्चों, तो फिजियोलॉजी में यूनिट फिफ्थ ब्लड हम समझ रहे थे। आज इसकी लास्ट या थर्ड क्लास है। ये न्यू सेमेस्टर वाइज सिलेबस है या न्यू सिलेबस है या सेमेस्टर वाइज सिलेबस है। इसमें अपने ऊपर से यानी फर्स्ट पॉइंट जो है ब्लड ब्लड से लेके हीमोस्टेसिस तक, इतना हमने प्रीवियस क्लासेस में समझ लिया है। अब दो पॉइंट इसमें बचे हुए हैं, ब्लड ग्रुप और टाइप, फंक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और इम्यूनिटी। तो इसको आज हम समझ लेते हैं। ये ईयर वाइज या ओल्ड सिलेबस है, तो शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप से। इनके नाम आपने पहले भी सुन रखे हैं। हर इंडिविजुअल का एक अलग ब्लड ग्रुप होता है, ए बी, ए बी ओ, और उसके बाद पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई ए पॉजिटिव है, कोई बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ठीक। वैसे ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव या ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ये डिसाइड कैसे होते हैं कि किस ब्लड का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं या कैटेगराइज करते हैं वो समझते हैं। ब्लड ग्रुप आर डिटरमाइंड बाय द प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, उसकी सतह पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके थ्रू हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। When blood from two individual is mixed, sometimes clumping, agglutination occur. This clumping is because of immunological reaction. अब जैसे हम दो अलग अलग person का, individual का blood लें और mix करें, थोड़ी देर बाद उसमें clumping हो जाती है। Clumping मतलब इकट्ठा हो जाना, गुत्थम गुत्था हो जाना, जिसको हम technical language में agglutination बोलते हैं, तो वो agglutination type हो जाता है। अब दिस क्लम्पिंग इज़ बिकॉज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। अब ये जो क्लम्पिंग होती है ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से होती है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वहाँ पर हो जाती है जिसकी वजह से ये क्लम्पिंग हो रही है। बट वाई क्लम्पिंग इज अकर्स इन सम केसेस एंड नॉट इन अदर केसेस रिमेन अ मिस्ट्री अंटिल द डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप बाय द ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंस्टियर इन 1901। ही वॉज ऑनर्ड विद नोबल प्राइज इन 1930 फॉर दिस डिस्कवरी। तो ये कुछ कुछ पर्सन का हम ब्लड मिक्स करते हैं, किसी किसी में क्लम्पिंग हो जाती थी, किसी किसी में क्लम्पिंग नहीं होती थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ये एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था। कब तक? जब तक ब्लड ग्रुप डिस्कवर नहीं हुए। अब ये कब डिस्कवर हुए? 1901 में। इस खोज के लिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1930 में। द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। लैंस्टर फाउंड टू एंटीजन और एग्लूटिनेशन इन द आरबीसी एंड नेम देम एज ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। अभी जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो रही थी जिसकी वजह से क्लम्पिंग होती थी, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन थी। लैंस्टर ने देखा, पता किया कि जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स, उस पर दो एंटीजन हैं या जिनको हम एंटीग्लूटिनोजन कहते हैं, जो कि एंटीग्लूटिनेशन करवाएंगे। तो दो टाइप के इसमें एंटीजन हैं और उनको इनने नाम दिया ए एंटीजन और बी एंटीजन। ही नोटिस दैट करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज और एग्लूटिनिन्स इन द सीरम कॉल्ड एंटीबॉडी और एंटी ए एंड बी एंटीबॉडी और एंटी बी। तो ये तो आरबीसी की बात हो गई कि उस पर एंटीजन प्रेजेंट थे, ए है और बी है, ठीक। उन्होंने एक चीज़ और नोटिस की, जो सीरम होता है, ब्लड सीरम है, उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब वो एंटीबॉडी को उन्होंने ए एंटीबॉडी और एंटी ए या बी एंटीबॉडी और एंटी बी का नाम दिया। तो एक तो आरबीसी में एंटीजन है और सीरम में एंटीबॉडी है, उसको भी उन्होंने, जो एंटीजन थे उसको ए और बी नाम दिया, और एंटीबॉडी को भी उन्होंने ए और बी नाम दिया। एंटीजन को एंटीजन, ए एंटीजन, बी एंटीजन बोल रहे हैं, और एंटीबॉडी को हम ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी बोलते हैं। However, in the body, particular antigen and corresponding antibody cannot be present together. If present, cause clumping of the blood. तो अगर particular blood में same antigen antibody नहीं हो सकती है या नहीं होती है, अगर A antigen है और A antibody है तो उन दोनों में clumping हो जाएगी, reaction हो जाएगा। फिर से पढ़िए, हाउएवर इन द बॉडी पर्टिकुलर एंटीजन एंड करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कैन नॉट बी प्रेजेंट टुगेदर इफ प्रेजेंट कॉज क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड। तो
एंटीजन ए एंटीबॉडी साथ में नहीं हो सकते हैं, अगर ऐसा होगा या हुए तो ब्लड में क्लंपिंग हो जाएगी। अकॉर्डिंगली लेंस्टर क्लासीफाइड द ब्लड ग्रुप्स, लेटर इट हैज़ बिकम द लेंस्टर लॉ फॉर ग्रुपिंग द ब्लड। तो इसको ब्लड ग्रुप इन्होंने क्लासीफाई किए इसके हिसाब से, अलग अलग ब्लड ग्रुप जिनको बाद में लेंस्टर लॉ भी कहा गया, या जो ब्लड ग्रुपिंग होते हैं उनका लॉ कहा गया। तो इनका लॉ क्या कहता है, इनका इन्होंने दो नियम दिए, दो सिद्धांत दिए। इफ़ अ पर्टिकुलर एंटीजन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट इन द सीरम। आरबीसी में कोई पर्टिकुलर एंटीजन है, जैसे अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए एंटीजन ए, इफ़ पर्टिकुलर एंटीजन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, तो अपने मान लिया एंटीजन ए, तो आरबीसी में एंटीजन ए है, फॉर एग्जांपल करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट इन द सीरम, तो उस ब्लड के सीरम में एंटीबॉडी ए नहीं होगी। दूसरा नियम क्या है, पर्टिकुलर एंटीजन इज एब्सेंट इन द आरबीसी। अब यहाँ पर आरबीसी में एंटीजन एब्सेंट है पर्टिकुलर, जैसे कि अगर अपन ने फिर से एग्जांपल ले लिया है एंटीजन ए, तो अगर एंटीजन ए एब्सेंट है द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट, तो अब सीरम में उसकी एंटीबॉडी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। अब ब्लड ग्रुप सिस्टम देख लेते हैं क्या है। मोर देन 20 जेनेटिकल डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम आर नोन टुडे, लगभग 20 ब्लड ग्रुप आज की डेट में हम जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है, ऐसे कुछ कुछ अलग होते हैं, रेयर ब्लड ग्रुप बोलते हैं उनको। बट लेंस्टर डिस्कवर्ड टू ब्लड ग्रुप सिस्टम कॉल्ड एबीओ सिस्टम एंड आरएच सिस्टम। तो दो इन्होंने ग्रुप सिस्टम बनाए, एक को कहा गया एबीओ और दूसरे को कहा गया आरएच। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और हम इसको ही यूज़ करते हैं। दीज आर टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस दैट कंसिडर्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम, किसी पेशेंट को, पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, खून चढ़ाते हैं, तो इन दोनों नियम का हम ध्यान रखते हैं, एबीओ सिस्टम का और आरएच सिस्टम का। तो पहला सिस्टम जो है वो एबीओ सिस्टम है। अब ये एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप के नाम के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, ए बी ए बी ओ। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी ब्लड इज डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप। तो एंटीजन ए प्रेजेंट है या एंटीजन बी प्रेजेंट है या एब्सेंट हैं, तो इसके हिसाब से चार ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी और ओ। द ब्लड हैविंग ए एंटीजन इज कॉल्ड ए ग्रुप। दिस ग्रुप हैज़ बीटा या बी एंटीबॉडी इन द सीरम। तो पहला ग्रुप कौन सा हो गया, जिनकी आरबीसी पे ए एंटीजन है, तो उसको हमने ए ग्रुप कहा। और ए ब्लड ग्रुप है तो उसके सीरम में बीटा एंटीबॉडी या एंटीबॉडी बी होगी। दूसरा क्या है, द ब्लड विथ बी एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी कॉल्ड बी ग्रुप। द ब्लड विथ एंटीजन बी एंड ए एंटीबॉडी इज कॉल्ड बी ग्रुप। अगर आरबीसी में बी एंटीजन है तो उसको हमने बी ब्लड ग्रुप कहा। अब ये बी है तो इसके सीरम में ए एंटीबॉडी होगी। इफ बोथ द एंटीजन आर प्रेजेंट द ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ए बी ग्रुप एंड सीरम ऑफ दिस ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए एंटीजन भी है आरबीसी में, बी एंटीजन भी है, तो इसको हम बोलेंगे ए बी ग्रुप। और इसके सीरम में एक भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ना ए एंटीबॉडी ना बी एंटीबॉडी। चौथा क्या है, इफ़ बोथ एंटीजन आर एब्सेंट। थर्ड में क्या थे, दोनों एंटीजन प्रेजेंट थे इसलिए उनको ए बी कहा गया। चौथे में क्या है, दोनों एंटीजन एब्सेंट हैं इसलिए इसको ओ ग्रुप कहा गया। और इसके सीरम में ए और बी एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती है। फिर से समझ लीजिए, ब्लड ग्रुप जिसमें ए एंटीजन है तो उसको ए कहा गया, बी एंटीजन है तो बी कहा गया, दोनों एंटीजन है तो उसको ए बी कहा गया, और दोनों एंटीजन नहीं है उसको ओ कहा गया। जिसमें ए एंटीजन है उसमें बी एंटीबॉडी है, जिसमें बी एंटीजन है उसमें ए एंटीबॉडी है, जिसमें दोनों एंटीजन है ए और बी उसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं है, और जिसमें दोनों एंटीजन है ही नहीं उनमें दोनों एंटीबॉडी है, इसको हमने ओ कहा।
अब ये ए बी ओ सिस्टम को एक डायग्राम से समझ लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा हुआ है ब्लड टाइप, फिर सेकंड कॉलम है एंटीजन का, थर्ड कॉलम है एंटीबॉडी का। तो अपन लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, सबसे पहले ए में आते हैं। ब्लड ग्रुप टाइप ए, ये कैसे डिसाइड होगा? इनकी आरबीसी सरफेस पर ए एंटीजन होगा। अब इसमें एंटीबॉडी कौन सी है? एंटीबी। ठीक है, बी जो ब्लड टाइप है इसमें सरफेस एंटीजन कौन सा है? बी, और एंटीबॉडी एंटी ए। थर्ड है ए बी, इसके सरफेस पर दोनों एंटीजन है, ए और बी दोनों हैं, और एंटीबॉडी जो है वो दोनों एब्सेंट हैं। ओ में क्या है? कोई भी एंटीजन नहीं है, और दोनों सीरम में दोनों एंटीबॉडी हैं। ये हो गया ए बी ओ सिस्टम। तो हमने ए बी ओ ग्रुप सिस्टम देखा कि ब्लड ग्रुप किस तरीके से डिसाइड होते हैं। अब ये ए बी ओ ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, उसको समझ लेते हैं। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली द कंपेटेबल ब्लड कैन बी यूज, द वन हु गिव ब्लड इज कॉल्ड डोनर एंड द रिसिपिएंट द वन हु रिसीव द ब्लड। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम केवल कॉम्पेटेबल ब्लड ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, क्रम्पिंग हो जाएगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। जो ब्लड डोनेट करता है या जो ब्लड देता है उसको हम बोलते हैं डोनर, और जो ब्लड लेता है उसको हम बोलते हैं रिसीवर। वाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड एंटीजन ऑफ द डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ द रिसिपिएंट आर कंसीडर्ड। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम जो भी डोनर है, ब्लड देने वाला है, उसकी एंटीजन और जो रिसिपिएंट है ब्लड लेने वाला है उसकी एंटीबॉडी, यानी जो ब्लड देने वाला है उसके ब्लड से एंटीजन, जो ब्लड लेने वाला है उसके ब्लड से एंटीबॉडी चेक करते हैं। द एंटीबॉडी ऑफ द डोनर एंड एंटीजन ऑफ द रिसिपिएंट आर इग्नोर्ड मोस्टली। डोनर की एंटीबॉडी और रिसिपिएंट की एंटीजन को हम इग्नोर करते हैं, मेनली हम जो भी डोनर है उसका एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी चेक करते हैं। दस द आरबीसी ऑफ ओ ग्रुप हैज़ नो एंटीजन, सो एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर विद एनी अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। तो अब जो ओ ग्रुप था, ओ ब्लड ग्रुप था, इसमें एंटीजन है नहीं, ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, इसलिए इसको ओ ग्रुप कहा गया। बस एंटीबॉडी है इनके पास। सो ओ ग्रुप कैन बी गिवन टू पीपल विद एनी ब्लड ग्रुप, सो द पीपल विद ओ ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो इसीलिए ओ ग्रुप का ब्लड हम किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं, इसी वजह से ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। द प्लाज्मा ऑफ ए बी ग्रुप, अब जो ए बी ग्रुप है, द प्लाज्मा ऑफ ए बी ग्रुप ब्लड हैज़ नो एंटीबॉडी। अब इसमें एंटीजन ए एंटीजन बी तो है लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं होती है। दिस डज नॉट कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ आर बी सी ऑफ एनी अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। तो इसकी वजह से भी कोई दूसरा अगर ब्लड ग्रुप है तो उनसे भी इनका एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग नहीं होगी। द पीपल ऑफ ए बी ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप। तो ये किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इनके शरीर में इनके ब्लड में एंटीबॉडी नहीं है। सो पीपल विद द ए बी ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप के जो पर्सन हैं उनको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, ये किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर और ए बी ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, तो अब ये यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट वाला जो भी फंडा है उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं चार्ट के थ्रू। सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ब्लड टाइप, उसके नीचे लिखा है ए बी, ए बी और ओ, ये तो हो गए ब्लड ग्रुप। और लेफ्ट साइड में देखिए क्या क्या हेडिंग है, रेड ब्लड सेल टाइप, एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीजन कौन सा है, और नीचे कॉम्पेटिबिलिटी कि इमरजेंसी में हम कौन सा ब्लड ले या दे सकते हैं। अब जैसे ये मैंने यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट के बारे में बताया, ये सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि भाई ओ है तो फिर वो देता ही रहे, किसी को भी देता है, किसी भी ग्रुप को देते हैं, या ए बी है तो किसी का भी ब्लड ले लें, ऐसा हम रेगुलर नहीं करते हैं, सिर्फ इमरजेंसी में ऐसा हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ए से। लेफ्ट साइड में जो सेकंड कॉलम है ऊपर ए लिखा हुआ है उसको देखिए। अब ये ए एंटीजन इनके ब्लड में है, रेड ब्लड सेल टाइप, तो आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है। ठीक है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी है, बी। ठीक, एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन।
अब ब्लड टाइप कॉम्पेटेबल इन इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में ए और ओ ले सकते हैं, क्यों ए है तो ए तो ले ही सकते हैं, लेकिन ओ ले सकते हैं क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है। ठीक वैसे ही आते हैं बी में। अब यहाँ पर बी एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी ए, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, बी एंटीजन। अब ये किसका ब्लड ले सकते हैं इमरजेंसी में, बी, बी है तो बी का ले सकते हैं, और साथ ही साथ ओ यूनिवर्सल डोनर है तो उसका भी ब्लड ही ले सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब आते हैं थर्ड कॉलम पे, यहाँ पर कौन सा है ब्लड ग्रुप, ए बी। अब इसमें ए बी एंटीबॉडी कौन सी है प्लाज्मा में, कोई सी भी नहीं है, एंटीजन दोनों है, ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी है, तो ये क्या कर सकते हैं, ए का ब्लड भी ले सकता है, बी का ब्लड भी ले सकता है, ए बी का तो ले ही सकता है और ओ का भी ले सकता है। अब ये क्या हो गया, ए बी ये हो गया यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाले में आते हैं ओ में। अब इसमें क्या है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी तो दोनों प्रेजेंट है, एंटी ए भी है और एंटी बी भी है, लेकिन एंटीजन एक भी नहीं है, तो ये कहलाएंगे यूनिवर्सल डोनर, ये केवल ओ का ले सकते हैं ब्लड, और यूनिवर्सल डोनर कहलाएंगे, ये किसी को ब्लड दे सकते हैं। क्रॉस मैचिंग के बारे में समझ लेते हैं। अब जब भी आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, अगर आपको ऑर्डर मिलता है, पेशेंट की फाइल में ऑर्डर लिखा हुआ है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी बीटी करवाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने के पहले हम क्रॉस मैचिंग करवाते हैं। क्रॉस मैचिंग क्या होता है, जो भी पेशेंट जिसको, या जो हम बोलेंगे रिसिपिएंट है, जिसको ब्लड चढ़ना है, रिसीव करेगा ब्लड, उसका ब्लड और डोनर जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसका ब्लड लेके क्रॉस मैचिंग के लिए भेजते हैं। क्रॉस मैचिंग कराने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन का ब्लड इसको चढ़ाया जा सकता है कि नहीं चढ़ाया जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। अगर दोनों का ब्लड लेके क्रॉस मैचिंग करवाते हैं, उसमें एग्लूटिनेशन होता है, क्लम्पिंग होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो उसका ब्लड हम फिर नहीं चढ़ाते हैं। ये क्रॉस मैचिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है और हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले करवाना ही चाहिए, क्योंकि अगर एग्लूटिनेशन हो गया पेशेंट का, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया पेशेंट की बॉडी में, तो पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। खैर इमरजेंसी में जब पेशेंट को हम ब्लड चढ़ाते हैं तो कुछ देर तक उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रही है, जो साइट है जहाँ से हम ब्लड इन्फ्यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर कुछ स्पॉटिंग तो नहीं हो रही है, रेड रेड कुछ मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं, पेशेंट कुछ एलर्जी की कंप्लेंट तो नहीं कर रहा है। अगर होता है तो फिर वहाँ पर हम एवेल जो एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है वो देते हैं, डीकॉट एस्कॉट देते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन आनी नहीं चाहिए, इमरजेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन ना आए इसके लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले क्रॉस मैचिंग जरूर करवाते हैं कि गलती की गुंजाइश जीरो रहे। फॉर ब्लड टाइपिंग, कौन कौन सा टाइप का ब्लड है, आरबीसी ऑफ द इंडिविजुअल एंड टेस्ट सीरा आर यूज्ड, हम सीरम और आरबीसी यूज़ करते हैं डोनर और रिसिपिएंट की। मिक्सिंग द सीरम ऑफ द रिसिपिएंट, जो भी ब्लड लेने वाला है उसका सीरम और जो डोनेट करने वाला है उसका आरबीसी मिक्स करके देखते हैं। इन क्लिनिक क्रॉस मैचिंग इज ऑलवेज डन बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। If agglutination of RBC from the donor occur during the cross matching, the blood from that person is not used for transfusion. तो क्लिनिक हॉस्पिटल जहाँ पे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो वहाँ पर क्रॉस मैचिंग हमेशा हमको करवानी पड़ती है या करानी चाहिए। अगर पेशेंट का सीरम और डोनर का RBC हमने क्रॉस मैच करवाया और इनमें agglutination हो गया, क्लम्पिंग हो गई, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई, तो उस पर्सन का ब्लड हम फिर ट्रांसफ्यूजन। अब इस क्रॉस मैचिंग वाले सिस्टम को एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर रिसिपिएंट का सीरम और डोनर का आरबीसी लिया क्रॉस मैचिंग में, अब इनको मिक्स किया, वॉश करते हैं, ये जो क्रॉस मैचिंग का प्रोसेस होता है ब्लड बैंक में वहाँ पे, फिर राइट साइड में सबसे ऊपर देखिए एग्लूटिनेशन नॉट कॉम्पेटेबल, अगर एग्लूटिनेशन हो गया, क्लम्पिंग हो गई, तो ये नॉट कॉम्पेटेबल यानी कि कम्पेटेबल नहीं है, इसको हम नहीं चढ़ा सकते हैं, और नीचे देखेंगे नो एग्लूटिनेशन अगर तो ये कॉम्पेटेबल है, अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुई है, तो फिर ये कॉम्पेटेबल है, इसको हम पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। अब ए बी ओ सिस्टम समझ लिया है, दूसरा हम समझेंगे आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर इज एन एंटीजन प्रेजेंट इन द आर बी सी सेल, सिंस इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द रिसेस मंकी इट वॉज नेम्ड एज आर एच फैक्टर। अब एक
एंटीजन प्रेजेंट होता है, ये जो एबीओ सिस्टम के अलावा एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, उसको आरएच फैक्टर कहा जाता है। अब ये इसकी जो खोज है वो सबसे पहले हुई थी रीसेस मंकी में, उसकी स्पेलिंग RHESUS है, रीसेस मंकी। तो वहीं से आरएच ले लिया गया और इसको आरएच फैक्टर का नाम दिया गया। देर आर मैनी आरएच एंटीजन बट ओनली डी इज मोर एंटीजेनिक। बहुत सारे आरएच एंटीजन होते हैं लेकिन जो डी है वो एंटीजेनिक ज़्यादा होता है। द पर्सन हैविंग डी एंटीजन आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव एंड दोज विदाउट डी एंटीजन आर कॉल्ड आरएच नेगेटिव। तो पर्सन जिनमें एंटीजन डी अगर प्रेजेंट है तो उनको हम आरएच पॉजिटिव, उनका जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव माना जाएगा, और जिनमें डी नहीं है तो उनको हम बोलते हैं नेगेटिव। अमंग द एशियन पॉपुलेशन 85% ऑफ पीपल आर आरएच पॉजिटिव एंड 15% आर आरएच नेगेटिव। तो अगर हम एशियन पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 85% लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं और 15% जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। अब देखिए फिर से आरएच फैक्टर और रिसेस फैक्टर जिसको कहा जाता है इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द आउटसाइड ऑफ आरबीसी सेल्स। आरबीसी के बाहर साइड में एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको आरएच फैक्टर का नाम दिया गया। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है आरबीसी में तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव है, या हम बोलेंगे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, जैसे कि बी पॉजिटिव हो गया। और अगर आरएच फैक्टर नहीं है तो हम बोलेंगे ये नेगेटिव है, तो बी नेगेटिव हो गया। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव। तो हमने ब्लड ग्रुप समझ लिया है, दोनों सिस्टम समझ लिए हैं, एबीओ सिस्टम समझ लिया है और आरएच सिस्टम भी समझ लिया है। अब हम बात करेंगे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको एक भूमिका बता देता हूँ कि जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है ये अलग से ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जैसे कि हमारे जनरल सिस्टम बॉडी में है, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, यूरोलॉजी या यूरोनेफ्रो सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये अलग अलग सिस्टम है, इनके पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गन है जो उसी सिस्टम का काम करते हैं। अब ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है ये एक नाम, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि नाम के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। फिजिकली प्रेजेंस इसकी अलग से नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर ऑर्गन इस रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग सेल्स जो है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का पार्ट हैं, अलग से इनकी कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन अलग अलग ऑर्गन इसके सिस्टम का पार्ट है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव सेल्स विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या आरई सिस्टम इसको हम बोलते हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम प्रिमिटिव सेल का सिस्टम है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज सेल्स आर फाउंड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। और ये जो प्रिमिटिव सेल्स हैं कहाँ कहाँ मिलती हैं, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ वेस्कुलर एंड लिम्फ चैनल में, और जो वेसल्स होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी एंडोथीलियम जो लाइन होती है वहाँ पर, कनेक्टिव टिश्यू एंड सम ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, लीवर, लंग्स, लिम्फ नोड, बोन मैरो एक्सेट्रा। कनेक्टिव टिश्यूज़ में कुछ ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन, लीवर, लंग्स, लिम्फ नोड, बोन मैरो, यहाँ यहाँ पर ये प्रिमिटिव सेल्स पाई जाती हैं। द रेटिकुलर सेल इन दीज टिश्यू फॉर्म द टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। अभी जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है तो ये जो रेटिकुलर सेल्स होती हैं ये एक मैक्रोफेज सिस्टम बनाती हैं। मैक्रोफेज मतलब क्या होता है? द वर्ड मैक्रोफेज रिफर टू अ लार्ज सेल हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ फेगोसाइटोसिस। सो मैक्रोफेज इज डिफाइंड एज अ लार्ज फेगोसाइटिक सेल्स। तो ये मैक्रोफेज सेल्स क्या होती हैं? ये बड़ी सेल्स होती हैं और इनमें फेगोसाइटोसिस की क्वालिटी होती है। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है कि जो भी छोटी मोटी सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं उनको खा जाने की क्षमता। सो द मैक्रोफेज इज डिफाइंड एज अ लार्ज फेगोसाइटिक सेल। तो जो मैक्रोफेज है होती हैं इनको हम बड़ी फेगोसाइटोसिस वाली सेल्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। तो ये सेल्स कितने प्रकार की होती है वो देख लेते हैं। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं फिक्स रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल और टिश्यू मैक्रोफेज। एक तो फिक्स है भैया, उनका काम है ही है। दूसरी वंडरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स।
तो पहले समझते हैं फिक्स रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स को. द फिक्स रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू मैक्रोफेज और फिक्स्ड हिस्टियोसाइट्स बिकॉज दीज सेल्स आर यूजली लोकेटेड इन द टिश्यू. द टिश्यू मैक्रोफेज आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एरियाज. ये जो फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनको हम टिश्यू मैक्रोफेज भी बोलते हैं या फिक्स्ड हिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं. क्यों? दीज सेल्स आर यूजली लोकेटेड इन द टिश्यू, क्योंकि जो सेल्स हैं टिश्यू में लोकेटेड होती हैं. द टिश्यू मैक्रोफेज आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एरिया. अब ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू, द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल इन कनेक्टिव टिश्यूज एंड इन सीरियस मेम्ब्रेन लाइक प्यूरा, ओमेंटम, मेसेंट्री आर कॉल्ड द फिक्स्ड मैक्रोफेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू में ये मैक्रोफेज पाए जाते हैं. द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल इन कनेक्टिव टिश्यूज एंड इन सीरियस मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू में और सीरियस मेम्ब्रेन में. सीरियस मेम्ब्रेन जो पतली लेयर टाइप मेम्ब्रेन होती है, जैसे प्यूरा हो गया, प्यूरा हमारी लंग्स की लेयर होती है. पेरिटोनियम में होता है ओमेंटम और मेसेंट्री जो हमारे एब्डोमेन की कवरिंग होती है, वहां पर ये फिक्स्ड मैक्रोफेज पाए जाते हैं. एंडोथेलियम ऑफ ब्लड साइनोसॉइड्स, ब्लड साइनोसॉइड मतलब स्मॉल ब्लड वेसल्स, उनकी एंडोथेलियम में. द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड साइनोसॉइड इन बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो कंटेन फिक्स्ड सेल. द कफर्स सेल्स प्रेजेंट इन लीवर बिलोंग टू दिस कैटेगरी. तो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है जिनको हम ब्लड साइनोसॉइड्स भी कहते हैं, उनकी एंडोथीलियम में. अब ये ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ पे हैं? बोन मैरो में, लीवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, एड्रिनल ग्लैंड में. एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर दो स्मॉल ग्लैंड होती हैं, दोनों किडनी के ऊपर एक एक स्मॉल ग्लैंड होती है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं. तो एड्रिनल ग्लैंड की जो ब्लड साइनोसॉइड्स हैं उसके एंडोथीलियम में. पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो कंटेन्ड फिक्स्ड सेल, यहाँ पर फिक्स्ड सेल पाई जाती हैं. साथ ही साथ लीवर में कुफर सेल्स होती हैं, ये भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं. रेटिकुलम, द रेटिकुलम ऑफ स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो कंटेन फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द मेनिंजियोसाइट्स ऑफ मेनिंग्स. मेनिंग्स क्या होता है? हमारे नर्वस सिस्टम की कवरिंग होती है. तीन लेयर होती हैं उसमें, पैरामीटर, अर्कमेटर और ड्यूरामीटर, इनको बोलते हैं मेनिंजेस. तो मेनिंजेस में मेनिंजियोसाइट्स होते हैं, माइक्रोग्लिया होते हैं, ये टिशू मैक्रोफेज सिस्टम बनाते हैं ब्रेन में, कि उस तरफ उस जगह पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँचता है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं. लंग्स, टिश्यू मैक्रोफेज आर प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई में. सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी फिक्स्ड सेल मिलती है. द फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑल्सो. तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल दो प्रकार की है, पहली है फिक्स, दूसरी है वांडरिंग. वांडरिंग को हम बोल सकते हैं मोबाइल रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल है, यानी ये वेट नहीं करती कि इनके पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया और ये उनको मारे, ये साइट पे पहुंच के एक्शन करते हैं. द वांडरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल आर ऑल्सो कॉल्ड फ्री हिस्टियोसाइट. फ्री हिस्टियोसाइट मतलब ये मूव होते रहते हैं और साइट पे पहुंचते हैं जहाँ पे इनको एक्शन करना है. देर आर टू टाइप ऑफ वांडरिंग रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, ये दो प्रकार की होती हैं. पहली है फ्री हिस्टियोसाइट ऑफ ब्लड आर, जो ब्लड में होती है और ये फ्री है मतलब आराम से मूव हो रही है और साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचेंगी या इंजरी पे पहुंचेंगी. न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट विच बिकम मैक्रोफेज एंड माइग्रेट टू द साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन. न्यूट्रोफिल मोनोसाइट ये मैक्रोफेज बन जाते हैं जब भी कोई इंजरी या इन्फेक्शन होता है और साइट पर पहुँचते हैं. दूसरा है फ्री हिस्टियोसाइट ऑफ सॉलिड टिश्यू, जो सॉलिड टिश्यू थे यानी जो फिक्स्ड सेल थी हमारी, वहाँ से ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी वाली कंडीशन में द फिक्स्ड हिस्टियोसाइट फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू, जो भी हम पहले देख रहे थे पहला पार्ट जो पहले टाइप का था, फिक्स्ड हिस्टियोसाइट फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर ऑर्गन बिकम वांडरिंग सेल. वो वांडरिंग सेल बन जाते हैं यानी मोबाइल सेल बन जाते हैं और सर्कुलेशन पर एंटर करके जो भी साइट है इन्फेक्शन की जहाँ पर एक्शन करना है वहाँ पर ये पहुँचते हैं. अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का काम क्या है? मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम आर कैरीड आउट बाय मैक्रोफेजेस. जो मैक्सिमम काम है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का वो मैक्रोफेजेस के थ्रू होता है, जिनका काम होता है फेगोसाइटोसिस. रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. द वेरियस फंक्शन ऑफ दी सेल्स आर फॉलोइंग. तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म. क्या क्या काम है उसके अलावा वो भी देख लेते हैं. तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो तो है मैक्रोफेज के थ्रू फेगोसाइटोसिस करना. मैक्रोफेजेस आर द लार्ज फेगोसाइटिक सेल विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी बाय फेगोसाइटोसिस.
जो मैक्रोफेज होती हैं ये फेगोसाइटिक सेल होती हैं जो फेगोसाइटोसिस करती हैं, और जो भी डेड टिश्यू हैं, सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको ये खा जाते हैं। उसके थ्रू ये डिफेंस में हेल्प करते हैं, ये बॉडी को डिफेंड करते हैं। द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और अदर फॉरेन बॉडीज आर फेगोसाइटोसाइज बाय द मैक्रोफेजेस। तो जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब बाहर से हमारे शरीर में आ गए हैं, बैक्टीरिया है, कोई फॉरेन बॉडीज है, उनको ये मैक्रोफेज खा जाते हैं। व्हेन एनी फॉरेन बॉडी इन्वेड, मैक्रोफेज इनजेस्ट देम बाय फेगोसाइटोसिस एंड लिबरेट द एंटीजेनिक प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द एंटीजन एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट एंड हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो जब भी कोई फॉरेन बॉडी इन्वेड करती है, हमारे शरीर में आती है, घुसपैठ करती है, मैक्रोफेजेस उनको इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एंड लिबरेट द एंटीजेनिक प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द एंटीजन एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट एंड हेल्पर टी लिम्फोसाइट। फिर ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को एक्टिव करते हैं। अभी जो फेगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस होता है मैक्रोफेजेस का, वो एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं तो डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। ये फेगोसाइट या जो मैक्रोफेज है, जिसको हम फेगोसाइट बोलेंगे, इसमें रिसेप्टर या रिसीवर है। राइट साइड में आपको पैथोजन दिख रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, डेड सेल हो सकती है। इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन बाइंड हो जाता है रिसेप्टर से। अब फर्स्ट डायग्राम देखिए, जो भी हम देख रहे थे, न्यूक्लियस है, फेगोसाइट है, रिसेप्टर है, प्रोटीन है, और पैथोजन, ये इसको बाइंड कर लेगा। सेकेंड स्टेज में पैथोजन इंटरेक्ट विद द फेगोसाइटिक रिसेप्टर, फेगोसाइटिक रिसेप्टर से इसने बाइंड किया। थर्ड स्टेज में फेगोसाइट पैथोजन इन्वॉल्व, जो फेगोसाइटिक सेल थी, मैक्रोफेज थी, उसने उसको पूरा अपने अंदर ले लिया, इंगल्फ कर लिया। फिर डाइजेशन ऑफ द पैथोजन, पैथोजन जो था उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, खा लिया है उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। पैथोजन ब्रेक डाउन इनटू द प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल, पैथोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग एंटीसेल, और फिर अडाप्टिव स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसके थ्रू हमको इम्यूनिटी मिलती है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो फेगोसाइटोसिस कहलाता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको फेगोसाइटिक सेल या मैक्रोफेज एनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं। सेकेंड फंक्शन जो रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम का है, वो है सेक्रेशन ऑफ इंटरल्यूकिंस। अब ये क्या होते हैं, मैक्रोफेज सीक्रेट इंटरल्यूकिंस 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 12, इनको IL-1, IL-6 और IL-12 हम बोलते हैं। IL-1 का काम क्या है, एक्सेलरेट द मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ स्पेसिफिक वी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इंटरल्यूकिन 1 का काम क्या है, मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। IL-6, इंटरल्यूकिन 6, इनका काम क्या है, ग्रोथ ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। सिक्रीशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जो रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम है, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का सिक्रीशन करते हैं। नेक्रोसिस मतलब होता है डेथ ऑफ सेल्स और टिश्यू। तो जो भी ट्यूमर्स वगैरह जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, उनको नेक्रोस्ट करने का काम, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा TNF-alpha एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा आर सिक्रेटेड बाय द टिश्यू मैक्रोफेजेस। ये टिश्यू मैक्रोफेजेस सिक्रेट होते हैं। टिश्यू TNF या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा कॉज नेक्रोसिस ऑफ ट्यूमर एंड एक्टिवेट द इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। तो बॉडी में अगर कहीं ट्यूमर जनरेट होता है या हो रहा है, तो ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, नेक्रोस्ट कर देगा, वो टिश्यू या जो सेल्स है उनको डेड कर देगा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम एंड वैस्कुलर रिस्पॉन्स इन द एडिशन टू कॉजिंग नेक्रोसिस ऑफ ट्यूमर। तो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, करेगा ट्यूमर को नेक्रोस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ प्लेटलेट डराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। टिश्यू मैक्रोफेज सिक्रेट द प्लेटलेट डराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF विच एक्सेलरेट द रिपेयर ऑफ डैमेज ब्लड वेसल एंड वुंड हीलिंग। तो जो टिश्यू मैक्रोफेज होते हैं, ये प्लेटलेट डराइव्ड ग्रोथ फैक्टर इनका सिक्रेशन करते हैं। इनका काम क्या है, विच एक्सेलरेट द रिपेयर ऑफ डैमेज ब्लड वेसल एंड वुंड हीलिंग। जो ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लड वेसल को रिपेयर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल एंड सिलिकॉन। द मैक्रोफेज इंजेस्ट द सब्सटेंस लाइक कार्बन डस्ट पार्टिकल एंड सिलिकॉन विच इंटर द बॉडी। तो बॉडी में अगर कोई हमारे शरीर में कार्बन डस्ट इंटर करती है या सिलिकॉन इंटर करता है, तो मैक्रोफेज उनको भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं। सिक्स्थ है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाइल
RBC. The reticuloendothelial cell, particularly those in spleen, destroy the senile RBC and release the hemoglobin. तो जो मैं जिनकी एज हो गई है, एज्ड आरबीसी होती है, वो डिस्ट्रक्ट होती है स्प्लीन में. स्प्लीन की रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है और हीमोग्लोबिन को रिलीज कर देती है. डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, द हीमोग्लोबिन रिलीज फ्रॉम ब्रोकन सेनाइल आरबीसी. तो जो एज्ड आरबीसी थी जिसका डिस्ट्रक्शन हुआ स्प्लीन में, हीमोग्लोबिन रिलीज हो गया, तो वो रिलीज हीमोग्लोबिन. द हीमोग्लोबिन रिलीज फ्रॉम ब्रोकन आरबीसी डिस्ट्रॉयड बाय द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, उसको भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ही डिस्ट्रॉय करती है. लास्ट फंक्शन है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का, हीमोपोइटिक फंक्शन. द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, ब्लड सेल्स. हीमोपोइटिक रेट्रोपोइसिस नहीं है, हीमोपोइटिक है, यानी कि ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. अब एक और पॉइंट आपके सिलेबस में बाकी है, इम्यूनिटी. इम्यूनिटी काफ़ी डिटेल में आपको माइक्रोबायोलॉजी में है, तो थोड़ा सा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी मैं इसमें दे देता हूँ. इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता. रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन, डिसीज और अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन. रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको हम बोलते हैं. इसका मतलब यही है, रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट में, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, कोई डिसीज के अगेंस्ट में, कोई बायोलॉजिकल इन्वेजन यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर शरीर में आता है तो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना. अब एक डायग्राम से, चार्ट से समझ लेते हैं इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है. डिटेल नहीं समझा रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी आपको दे रहा हूँ, डिटेल हम माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे. टाइप ऑफ इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक पहली होती है इननेट इम्यूनिटी, लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इननेट मतलब होता है बाय बर्थ, जन्म के साथ. अब इसमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, रेशियल इम्यूनिटी है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी है. जन्म के साथ आपको कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है. रेशियल मतलब होता है एक रेस, एक प्रजाति. जैसे कि अगर हम देखें कि जो अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन है वहाँ पर कैंसर का रेशियो ज़्यादा है या कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है, हम एशियन में कम है, तो उस हिसाब से अफ्रीकन, एशियन, अमेरिकन जो अलग अलग रेस होती है, प्रजाति होती है, उसके हिसाब से इम्यूनिटी मिलती है. स्पेसिफिक इम्यूनिटी कोई पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए है. इंडिविजुअल इम्यूनिटी यानी कि हमारी पर्सनल इम्यूनिटी अलग अलग. सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड मतलब होता है गेन करना, प्राप्त करना. जन्म से नहीं मिली है, जन्म लेने के बाद आप उसको ले रहे हैं. अब ये फिर से दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव मतलब क्या हुआ? हमारी बॉडी ने खुद से इम्यूनिटी गेन की. पैसिव मतलब पैसिवली उसको दिया गया. अब एक्टिव इम्यूनिटी में देखेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी लिखा है और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी लिखा हुआ है. तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में आप नीचे देखेंगे तो फिर एक और पॉइंट लिखा है, थ्रू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन. अब जैसे कि चिकन पॉक्स की अगर हम बात करते हैं, चिकन पॉक्स आपको एक बार होता है, दोबारा नहीं होता है. अब वो एक्टिवली चिकन पॉक्स हुआ, आपके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बना ली, अब वो दोबारा नहीं होगा. तो ये क्लिनिकल सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के थ्रू आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड हुई, अब आपको दोबारा वो इन्फेक्शन नहीं होने वाला है. तो ये क्या हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो कि क्लिनिकल इन्फेक्शन से हुई है. दूसरी है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, ये भी इम्यूनिटी मतलब इसमें भी जो बैक्टीरिया, वायरस या एंटीजन है वो इंट्रोड्यूस होता है बॉडी में, लेकिन इसको हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं वैक्सीन की, वैक्सीन मतलब क्या होता है, वैक्सीन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कराते हैं और पर्टिकुलर उस वैक्सीन या उस पर्टिकुलर एंटीजन की एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाती है. डिसीज़ नहीं होती लेकिन वो एंटीबॉडी बन जाती है. जितने भी वैक्सीन होते हैं उनमें उन पर्टिकुलर डिसीज़ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. अगर मैं आपको पोलियो के वैक्सीन की बात करूँ तो पोलियो के वैक्सीन में पोलियो का वायरस होता है. हेपेटाइटिस के वैक्सीन में हेपेटाइटिस का वायरस होता है. कोरोना के वैक्सीन में कोरोना का वायरस है, कोविड-19 का. तो ये होता क्या है, इनमें कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के थ्रू उन बैक्टीरिया या उन वायरस की पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी मतलब होता है डिसीज़ कॉजिंग एबिलिटी, बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता, वो डिसीज़ कॉजिंग एबिलिटी को कम कर दिया जाता है. तो जो वैक्सीन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिसीज़ तो कॉज नहीं कर पाते हैं लेकिन इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हमारी जो इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडी बना लेती है. एंटीबॉडी बना लेगी तो फिर अगर वो बाहर से दूसरा बैक्टीरिया वायरस पर्टिकुलर उस डिसीज़ का आया तो फिर हमको इन्फेक्शन नहीं होगा. जैसे कि अगर हम मान लो बात करते हैं टीबी या हेपेटाइटिस बी,
हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन या पोलियो की चलो बात कर लेते हैं, बहुत कॉमन है, पोलियो का वैक्सीन दिया। अब जब भी आप कोई पर्सन को वैक्सीन देते हैं तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है अगले दिन, उसको बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। हमने पोलियो का वैक्सीन दिया यानी पोलियो का वायरस दिया, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ, बुखार आया, और उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसका शरीर, उसकी बॉडी है, वो उस वैक्सीन के एक्शन की वजह से एंटीबॉडी जनरेट कर लेगी। कुछ समय बाद, 2-4 दिन बाद उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, अब उसके शरीर में वो एंटीबॉडी बन गई है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, यानी शरीर ने खुद ही एंटीबॉडी बनाई है, यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से और दूसरे में नेचुरली, वहाँ पर हमने जानबूझ के इन्फेक्शन करवाया था, अपने आप हो गया था, जैसे चिकन पॉक्स। अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव मतलब किसी और के द्वारा। तो अब इसमें भी नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से। अब इसमें जो प्लेसेंटा होता है, मदर और बच्चे के बीच में कनेक्शन होता है प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा फिर अम्बिलिकल कॉर्ड, तो पूरा न्यूट्रिशन प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही बच्चे को मिलता है, जब बच्चा वॉम में होता है, गर्भ में होता है, तो उसके थ्रू एक एंटीबॉडी ट्रांसफर हो जाती है IgG। तो ये हो गया नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, किसी और से मिल रही है। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जैसा कि एंटी सीरम इंजेक्शन। अब इसमें भी हम रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं, जैसे कि टिटनेस का इंजेक्शन हुआ, टिटनेस जब आपको चोट लगती है, टिटनेस का वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो वो रेडीमेड एंटीबॉडी आप लगा लेते हैं, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हो गया। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इम्यूनिटी के बारे में दे दी है, बाकी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में माइक्रोबायोलॉजी में। थैंक यू। अब ये सिलेबस देख लेते हैं, ब्लड यूनिट 5, ये सेमेस्टर वाइज सिलेबस है। इसमें हमने आज सारे टॉपिक, मतलब बचे हुए जो नीचे के 2 टॉपिक थे, ब्लड ग्रुप और टाइप, वो देख लिया है, फंक्शन ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम और इम्यूनिटी भी देख लिया है। ये ईयर वाइज सिलेबस है। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं।